अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लजीज रेसिपीज। आज हम बनाने वाले हैं चटपटी चने की चाट, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। हमने 1 कप काले चने लिए थे, इसको हमने रात भर भिगाया था, अभी अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसको कुकर में सीटी लेकर गला लेंगे। चनों को हम कुकर में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और थोड़ा सा पानी, 1 से 1.5 कप के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेंगे 2 से 3 सीटियां लेकर हम चनों को अच्छे से गला लेंगे। चना चाट का अब हम मसाला रेडी कर लेंगे। कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 थोड़ा सा भून लेंगे। अब मसाला रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए चने, इसको हमने छन्नी में छान लिया था। इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चनों को हम मसाले के साथ 1 से 2 मिनट पका लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हमने चनों को अच्छे से पकाया। चने अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें मिक्स कर लेंगे। हमने 2 बड़े साइज के आलू लिए थे, इसको बॉईल करके हमने इस तरह चॉप कर लिया है। हमने 1 बड़ा खीरा लिया था, इसको भी हमने चॉप कर लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। 2 मीडियम साइज की प्याज ली थी, इसको बारीक चॉप कर दिया है। 2 टमाटर जिसको हमने चॉप कर दिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1 नींबू का रस। अब हम सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चटपटी चना चाट बनके रेडी है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।